BNYS कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिससे आप डॉक्टर बन सकते हो। तो क्या है BNYS कोर्स, आज के वीडियो में यही हम जानेंगे। इस बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि BNYS क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सा एग्जाम देना होता है, कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जाती है इसकी जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या होती है, प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या होती है, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट, और इससे आपकी कितनी सैलरी मिलती है इसे करने के बाद, और ये आयुर्वेद से कैसे डिफरेंट है। बहुत लोगों को आयुर्वेद और BNYS सेम लगता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। BNYS बहुत लोग इसे BYMS भी पढ़ते हैं, मैंने खुद एक आध बार वीडियो में BYMS कहा है। ये BYMS के नाम से प्रचलित है लेकिन एक्चुअल इसका नाम होता है BNYS, ठीक है। BNYS का फुल फॉर्म है बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, ठीक है। यानी इसमें आपको नेचुरोपैथी सिखाई जाती है और योगा से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती है, जिससे आप अपने पेशेंट का जो भी बीमारी है वो नेचुरल तरीके से सही कर सको बिना किसी दवाइयों के इस्तेमाल से, ताकि उनकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट ना पड़े। आप जानते होंगे कि जितने भी आप नॉर्मल मेडिसिन खाते हो, एलोपैथिक की मेडिसिन खाते हो, उससे क्या होता है, आपको कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। आप बुखार की दवा खा रहे हो, आपको लीवर को इफेक्ट करेगा। कोई भी दवा खा रहे हो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। लेकिन BAMS एंड नेचुरोपैथी वाला कोर्स, ये ऐसे कोर्सेज है जिनके साइड इफेक्ट बहुत कम है। अब आप पूछोगे, मैम फिर BAMS और BNYS में डिफरेंस क्या हुआ, समझाती हूँ। जो BAMS है वो आयुर्वेद है, ठीक है। BAMS ए फॉर आयुर्वेदा। आयुर्वेद कहने का मतलब है कि ये इंडिया ने इसको दिया है, इंडिया ने आयुर्वेद की ओरिजिन दी है। आयुर्वेद जो है ना वो इंडियन लिटरेचर से है, इंडिया की जो हिस्ट्री है वहाँ से जो मेडिसिन चलती थी उस मेडिसिन के को हम आयुर्वेद कहते हैं। ये सिर्फ इंडिया का है। लेकिन जो BNYS है उसकी जो ओरिजिन है वो सिर्फ इंडियन नहीं है, वो नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी कहने का मतलब नेचर से जुड़ी जितनी भी साइंसेज हैं, जिस भी कंट्री ने उसे खोजा है वो इस्तेमाल की जाती है उसमें। खासकर ये चाइनीज ओरिजिन का है। एशिया में जो भी कंट्रीज है ना, वो जो नेचुरल तरीके इस्तेमाल करती थी किसी बीमारी को सही करने में, वो आपके नेचुरोपैथी में आता है। आयुर्वेदा सिर्फ इंडिया का है, नेचुरोपैथी ऑल ओवर वर्ल्ड का है, ठीक है। बस फर्क ये है दोनों में, दोनों है तो आपके नेचुरल चीज ही, लेकिन आयुर्वेद सिर्फ इंडिया का है, नेचुरोपैथी वर्ल्ड का है, खास करके चाइना का, ठीक है। आप चाइनीज समझ के ये मत समझना कि ये बुरा कोर्स है, ये बहुत अच्छा कोर्स है। नेचुरल चीज़ों से आपको जोड़ता है और प्राकृतिक तौर पे आप किसी बीमारी को सही कर पाते हो। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है BAMS और BYNS में। देखो BYNS में क्या डिफरेंस है, BAMS में ना आप सर्जरी कर सकते हो, यानी कि चीर फाड़ कर सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो। लेकिन BNYS में कोई ऑपरेशन आपको अलाउड नहीं होता है, ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। BAMS जो होता है इसमें आप अगर डॉक्टर बनते हो तो आप आयुर्वेद की भी मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हो, आप एलोपैथिक मेडिसिन भी सजेस्ट कर सकते हो लोगों को। लेकिन अगर आप BNYS करते हो तो BNYS में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल मेडिसिन ही अलाउड होती हैं, बाकी बाहर की मेडिसिन वो लोग नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब मैं BNYS के बारे में डिटेल में बता रही हूँ। BAMS के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मैंने ये वीडियो बना रखी है, आप देख लेना, वीडियो का लिंक लास्ट में दे दूंगी, ठीक है। अच्छा, आप बात करते हैं BNYS की पूरी डिटेल्स के बारे में। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो नीट एग्ज़ाम ही है, नीट के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। पर अगर बाय चांस आपने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया तो BNYS के प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। इसमें ये सुविधा है कि इससे आप डॉक्टर भी बन रहे हो और प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है विदाउट एनी डाउट। इसमें आपको कोई भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी शक की बात नहीं है, कन्फर्म है कि इससे आप डॉक्टर बनते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो सैलरी है BNYS करने के बाद, वो सैलरी आपकी 30,000 से 50,000 के बीच में होती है, जो कि एक एवरेज MBBS डॉक्टर की भी है। आप कोई भी डॉक्टर बन रहे हो, एवरेज सैलरी 30,000 से 50,000 तक होती है। लेकिन किसी भी डॉक्टर की सैलरी की कोई सीमा नहीं होती है, एंड पॉइंट लिमिटलेस है। आप कितना अच्छे से काम कर रहे हो, कितनी अच्छी जगह अपना क्लिनिक चला रहे हो, ये सब इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो, और नीट का एग्ज़ाम देने के लिए आपके 12th में जनरल अगर आप हो तो कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए,
और अगर आप EWS, SC, ST, OBC हो तो कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए। और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे नीट का, और ना ही आप BNYS के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। प्राइवेट में ले सकते हो लेकिन गवर्नमेंट में नहीं ले सकते, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसकी काउंसलिंग कैसे होती है। काउंसलिंग के लिए आपको आयुष का एक पोर्टल होता है, वहाँ पे जाना पड़ता है। देखो, जो नीट की काउंसलिंग होती है ना, वो मेनली दो तरह से होती है। एक MCC की काउंसलिंग, जिसमें MBBS और BDS को लिया जाता है, और एक होती है आयुष की काउंसलिंग। काउंसलिंग से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी चाहिए तो मैंने इस वाली वीडियो में बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। वीडियो का लिंक लास्ट में मैं लगा दूंगी, ठीक है। काउंसलिंग की पूरी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी, कैसे काउंसलिंग होती है। आयुष वाली काउंसलिंग आप इस वाली वीडियो में सुनना, आयुष काउंसलिंग के बारे में मैंने बताया है। तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा BNYS गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 5,000 से 10,000 तक होती है एक साल की, ठीक है। टोटल 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें एक साल की इंटर्नशिप होती है। तो आपके 5.5 साल के कोर्स में हर एक साल आपकी 5 से 10 हज़ार फीस लगेगी। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फीस गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होती है इसकी, तो अच्छी बात है ये। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेज की फीस, तो प्राइवेट कॉलेज की फीस 50,000 से लेकर के 1 लाख तक होती है एक साल की, ओके। यानी कि मैक्स टू मैक्स 1 लाख के अंदर आप 1 लाख में अपना साल भर कंप्लीट कर सकते हो, यानी 5 से 5.5 लाख में आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपने नीट नहीं दिया है तब भी। और कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ सुन के आप खुश हो जाओगे। इसमें जो जनरल है, जनरल की कट ऑफ जाती है 420 मार्क्स, सिर्फ 420 मार्क्स में आपको आपका गवर्नमेंट कॉलेज तक मिल जाता है, ठीक है। जो OBC है उनकी कट ऑफ होती है 400 मार्क्स तक, 400 मार्क्स में आप OBC को BNYS का कॉलेज मिल सकता है। और जो SC होते हैं उनकी कट ऑफ होती है 350 मार्क्स, 350 मार्क्स में आपको आराम से BNYS का कॉलेज मिल जाएगा। और जो ST होते हैं उनको 300 मार्क्स ज़रूरी होता है BNYS कोर्स करने के लिए। सो, इतनी कम कट ऑफ में भी आप डॉक्टर बन सकते हो, और नॉर्मली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छा खासा कमा सकते हो, और आपके नाम के आगे यूजुअली डॉक्टर लगेगा, ठीक है। आप आराम से डॉक्टर लगा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो मैंने आपको काउंसलिंग के बारे में बता दिया, सैलरी के बारे में बता दिया, मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी। अब डिस्कस कर लेते हैं हम कि इसके टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा कॉलेज एक है, गवर्नमेंट नेचुरोपैथी कॉलेज, जो कि हैदराबाद में है। सिमिलरली गवर्नमेंट नेचुरोपैथी कॉलेज इन चेन्नई, ठीक है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी इसका एक बहुत अच्छा कॉलेज है नेचुरोपैथी का। BNYS कोर्स आप वहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है ITRA जामनगर इंस्टीट्यूट, यहाँ से भी आप अपना नेचुरोपैथी का कोर्स कर सकते हो। इसके बाद कुछ प्राइवेट के बारे में बात कर लेती हूँ। प्राइवेट आपकी एपेक्स यूनिवर्सिटी है, जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो। लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। IIMT मेरठ यूनिवर्सिटी है, जो कि आपकी अमिती यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अमिती यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हो, और IIMT से भी कर सकते हो। तो ये इस तरह का कोर्स है, पर एक बात याद रखना, इसमें आप सर्जरी नहीं कर पाओगे, सिर्फ दवाइयाँ दे सकते हो किसी बीमारी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट इसकी हम बात कर लेते हैं। अगर सैलरी जो है वो नॉर्मली 30,000 से 50,000 तक होती है, लेकिन अगर आप अपना अच्छे से क्लिनिक ओपन करते हो, अच्छे से उसे चलाते हो, और अच्छी जो नॉलेज है आपको उसके बारे में, तो पेशेंट्स आपके पास अपने आप आएंगे और आप लाखों रुपए तक इनकम कर सकते हो। डॉक्टर की इनकम कभी भी सीमित नहीं होती है। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप एज अ डॉक्टर काम कर रहे हो तो सीमित है, चाहे आपने MBBS ही क्यों ना किया हो, आपकी 50,000 तक तनख्वाह होती है शुरुआती। हाँ, एम्स से किया तो एम्स से बात अलग है। एम्स एक ऐसी संस्था है जहाँ से अगर आप MBBS करते हो तो उसके बाद आपकी सैलरी अच्छी खासी होती है। लेकिन नॉर्मली अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से भी अभी MBBS कर रहे हो ना, तो आपकी सैलरी 50,000 तक ही होती है। इसमें भी 50,000 है, MBBS में भी 50,000 है गवर्नमेंट में, ठीक है। लेकिन प्राइवेट में सैलरी वैरी करती है, ओके। प्राइवेट कहने का मतलब अपना खुद का अगर आप चला रहे हो तो अच्छा खासा कमा सकते हो। नेक्स्ट, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें कि आगे क्या क्या करियर स्कोप हो सकता है। पहला तो सीधा सीधा ये है कि आप नेचुरोपैथी के डॉक्टर बन गए, ठीक है। नेक्स्ट, आप इससे डाइटिशियन बन सकते हो। आप जानते होंगे जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपने डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं, जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं वो अपने डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं, तो कोई ना कोई उन्हें डाइट गाइड करने वाला होना चाहिए। तो एज अ डाइटिशियन आप वर्क कर सकते हो किसी भी संस्था में। कोई स्पोर्ट्स अकेडमी है, कोई आपके यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्पोर्ट्स अच्छे खासे लेवल का चल रहा है, कोई अच्छा जिम सेंटर है जहाँ पे डाइटिशियन
की जरूरत है, वहां पे आप काम कर सकते हो और अच्छे खासे पैकेज पे काम कर सकते हो, ठीक है। ये प्लेसमेंट से रिलेटेड चीजें हैं। नेक्स्ट, आप योगा ट्रेनर बन सकते हो बहुत सारे जगह पे, आप अपना खुद का योगा क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो, लोगों को योगा सिखा सकते हो। नेक्स्ट आपका है पैरा क्लिनिकल स्पेशलिस्ट बन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आयुष प्रैक्टिशनर बन सकते हो, यानी आयुर्वेदिक चीजों का लोगों को सलाह देने वाले बन सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, पीएचडी कर सकते हो इससे रिलेटेड, पीएचडी करने के बाद आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। तो बहुत ज्यादा स्कोप है, ऐसा नहीं है कि इसका स्कोप नहीं है, पर क्योंकि इसके कॉलेजेस थोड़े कम हैं इसलिए ये कॉलेज कम फेमस है, पर कम कट ऑफ में कम मार्क्स में आपको डॉक्टर बनने मिल रहा है तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलो एक बार सब कुछ समराइज कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक जाना। BNYS एक नेचुरोपैथी का कोर्स है, इसमें आप नेचुरोपैथिक डॉक्टर बनते हो, इसमें आपकी सैलरी MBBS के डॉक्टर के बराबर ही होती है अगर हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करें, और अगर आपकी स्किल अच्छी है, प्राइवेट में आप अच्छी जगह क्लिनिक ओपन कर रहे हो तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी हो सकती है। इसके बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है लेकिन आप सर्जरी नहीं कर सकते, और इसमें आपको नीट का एग्जाम देना होता है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हो। प्राइवेट के लिए नीट के एग्जाम की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। अच्छी यूनिवर्सिटीज के नाम मैंने आपको बता दिए हैं कि गवर्नमेंट नेचुरोपैथी कॉलेज हैदराबाद एंड चेन्नई में है, इसके बाद आपका BHU है, ये सब आपके अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 10,000 से ज़्यादा नहीं होती है इसमें, और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो आपका 12th पास होना चाहिए, और जनरल वालों के लिए 50%, SC ST OBC के लिए 40%, ठीक है। आई होप आपको BNYS कोर्स के बारे में और कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है कुछ भी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर मैंशन करो, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। अगला वीडियो मैं आपका BA SLP और BSMS पे लेके आऊंगी, जल्द ही इस पे भी वीडियो ला दूंगी, ठीक है। पर उन दोनों के कंपेयर में ये कोर्स अच्छा था इसलिए इसकी वीडियो मैंने पहले लाई। और भी कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो आप जरूर मुझसे पूछना, और काउंसलिंग की वीडियो एंड BAMS की वीडियो मैं लास्ट में अटैच करी हूँ, आप लोग देख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।